उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में आवारा जानवरों ने आम जनता का जीना दुश्वार कर रखा है। घर के बाहर बंधे पालतू मवेशियों को आवारा जानवरों द्वारा अपना शिकार बनाया जा रहा है। मामले को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर के प्रजापति माहौल में रहने वाली जनता आवारा जानवरों के चलते खौफ के साए में जीने को मजबूर है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जनता को अभी तक इस समस्या से निजात मिल नहीं सका। माहौल में घूमने वाले आवारा जानवरों द्वारा पालतू मवेशियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। आवारा घूमने वाले इन मवेशियों द्वारा कई बार बच्चों पर भी हमला किया जा चुका है। माहौल वासियों द्वारा कई बार आला अफसरानों से शिकायत करने के बावजूद भी आवारा जानवरों की दहशत आज भी जस की तस बनी हुई है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। दौड़ पा थे आज मन कभी दौड़ छिरियन का छिरिया पाया तोड़ तोड़ते खा जाते हैं छिरियों। हाँ बिल्कुल से खा रहा है बाबू जी बचे नहीं है। कितनी छिरियाँ अब तक मारी हैं? कम से कम ना मारी तो 10 ठैया से कम नहीं मारी हैं। मतलब 10 बकरियाँ खा चुके हैं? हाँ खा चुके। और ये कब से चल रहा है? जो चल रहा वो बस आग जेड़ से मतलब 2-3 महीने। हाँ हमने इतनी से काट करी नहीं है, अगले हम का करिए इतनी जब टोर सारी सारी चिड़िया। बच्चों को भी काफी परेशान कर रहे हैं। आओ बच्चन का दौड़ा दे जो मार पथरा से। शिकायत करें कभी इसकी? अब विकास हमारे नौ पाली नवोदी में रहा भी सुबह कल हमारे नौ भी ऐसी आ जाते हैं तो क्या करें। परेशानी ये है साहब कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय के परिसर के अंदर बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, लगभग 10 से 12-15 कुत्ते हैं और बहुत ही खूंखार किस्म के कुत्ते हैं। और यहाँ पे पशुपालक भी रहते हैं, गरीब लोग बकरियाँ पालते हैं तो उन लोगों की बकरियों के ऊपर आए दिन हमला करते रहते हैं और नोच नोच कर खा जाते हैं। इसकी शिकायत भी हमने कई बार करी है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, और ना तो मुआवजे के लिए सुन रहे हैं ना कुत्ता पकड़ने के लिए कोई नगर पालिका या कोई भी जो विभाग उनका संबंधित है कोई भी नहीं सुन रहा है। बच्चों को ये परेशानी हो रही है सर कि अगर कोई बकरी अपने अंदर से बाहरी दरवाजे के बांध दी जाती है तो बंधी बनाई बकरी ही खा जाते हैं, और अगर भगवान ना करे अगर उन्हें बकरी ना मिले कोई बच्चा ही मिल जाए तो बच्चे को ही खा जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक प्रशासन तक पहुँचे और कोई ठोस कार्रवाई हो। जो हमारी बकरी खेत में बंधी थी, कुत्ते ने आके हमारी लड़का बच्चा भाग गए गैया को भगाने के लिए, इतने में कुत्ता आके हमारी शेरी को खा लिया, देखो जान से मर गई। तब से ये हो रहा है घटना? ये 15-20 दिन से हो रहा है, ये तो साले लोगों की शेरी खा ली और मोहल्ला वालों का परेशान कर रहे, कुत्ता बच्चन का दौड़ रहे कुत्ता, छोटे छोटे बच्चन का भी काट रहे हैं कुत्ता, कोई सुनाई नहीं है। हमारी अधिकारियों से कहा कि कुत्ते बहुत परेशान, हमारी कलट्टे जाते कोई सुनाई नहीं हो रही है। भाई ये कह रहे कि जानवर है हम कहाँ लो बचा में, कोई शिकायत नहीं हमारी गरीब आदमी की ले रहे।